गोद लिए बेटे ने संपत्ति के लालच में मां की हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। मामला श्योपुर शहर का पुलिस ने घर से शव बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर श्योपुर से है जहां मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का सनसनीखेज मामला शहर के वार्ड क्रमांक 7 से सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है जिसे वर्षों पहले अनाथ आश्रम से इस महिला ने गोद लिया था। रेलवे कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय उषा पचौरी के यहां कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उनके पति और उन्होंने बुढ़ापे में सहारा बन सके इसके लिए इस बच्चे को उन्होंने गोद लिया था। तब दीपक की उम्र महज 2 वर्ष थी। उषा देवी की पति भुवनेंद्र पचौरी को वर्ष 2015 में हार्ट अटैक से पहली ही मौत हो चुकी है। तब से माँ और बेटा दीपक साथ ही रह रहे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की माने तो दोनों माँ बेटे की शुरू से ही आपस में कम बनती थी। आपको बता दें अभी 4 दिन पहले दीपक दिल्ली से लौटा था, तभी उसने 6 मई के दरमियान माँ को मौत के घाट उतार दिया और शव को सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में गड्ढा खोद दफन कर दिया। माँ की हत्या कर आरोपी दीपक ने रिश्तेदारों को सूचना दी कि माँ कहीं लापता हो गई है। इसके बाद रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी। सारे घटनाक्रम को आरोपी दीपक ने फिल्मी कहानी की तरह रचा। पुलिस ने दोनों एंगलों से इस मामले की जांच शुरू की तो पुलिस ने सुई बेटे दीपक पर आ टिकी। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और लाश कहाँ छुपाई वह भी बता दिया। पुलिस ने कल रात ही घर को सील कर दिया था और आज स्पेशल टीम बुलाकर बताए गए स्थान से गड्ढा खुदवा कर शव को बरामद कर लिया। इस वारदात की पूरे शहर में चर्चा है कि जिस महिला ने अनाथ को गले लगाया, पाला पोसा, पढ़ाया और बुढ़ापे में सहारा बन सके ये उम्मीद पाली, मगर उस महिला को क्या पता था कि जिसे वो गोद ले रही है वो उसका काल बनेगा। देखिए श्योपुर से दिल दहला देने वाली खबर संवाददाता अमित श्रीवास्तव के साथ। दीपक क्यों मारा? बोलो भाई क्यों मारा तुमने? घर जा बेटा तुम साइड में।